गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द एनटीएससी स्टेज फर्स्ट एग्जाम 2017 and 18 सेट डी ऑफ हरियाणा स्टेट एंड वी आर डिस्कसिंग हेयर द एसएस पार्ट ऑफ आवर स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट 2017-18 का जो सेट का पेपर आया था हरियाणा स्टेट का, उसके एसएस पार्ट को आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी हम उन सभी क्वेश्चंस के आंसर विद एक्सप्लेनेशन देंगे, और जो वन वर्ड क्वेश्चंस हैं उनका हम आपको क्या करेंगे, सीधा हम उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। आवर एसएस पार्ट इज स्टार्टेड फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 121 नंबर क्वेश्चन से एसएस पार्ट शुरू होता है। 40 मार्क्स आते हैं, आपको पता है एसएस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनटीएससी एग्जामिनेशन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन ड्यू टू, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, उसका सबसे बड़ा कारण था चोरी चोरा इंसिडेंट, जो कब हुआ था, फरवरी 1922 के अंदर हुआ था। फरवरी 1922 के अंदर चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर 22 पुलिसकर्मियों को क्रोधित भीड़ ने क्या कर दिया था, जिंदा जला दिया था। दैट्स वॉज द रीजन कि चोरी चोरा इंसिडेंट के कारण गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन दिसंबर 1920 एंड कंबाइनली स्टार्ट दिस मूवमेंट विद खिलाफत मूवमेंट इन जनवरी 1921। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो कंबाइनली चलाए गए थे गांधी जी और शौकत अली के द्वारा, वो जनवरी 1921 के अंदर चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 इज द टर्म लिबरलिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड लिबर मीनिंग, लिबरलिज्म इज अ इंग्लिश वर्ड विच ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड लिबर, इट मीन्स फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड इन विच फॉलोइंग ईयर, द आंसर इज 14th of July 1789 एंड एट दैट टाइम लुई 16 वॉज द किंग ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was the chief architect of the unification of Germany? इनमें से किसे जर्मनी के एकीकरण का आर्किटेक्ट या पितामह माना जाता है, तो चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क जो थे उनको क्या माना गया था, जर्मनी का, क्योंकि वो प्रशा के क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे, एंड ही प्लेड ए ग्रेट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। दैट्स वॉज द रीजन दैट ओटो वॉन बिस्मार्क वॉज नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following was described as the most dangerous enemy of social order by Duke Metternich? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को Duke Metternich ने social order का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था, तो उनका नाम था Giuseppe Mazzini। आंसर आ जाएगा Giuseppe Mazzini। Duke Metternich पर भी क्वेश्चंस बनते हैं कि 1804 में जो वियना कांग्रेस हुई थी उसकी हेडिट किसने की थी, तो वो ड्यूक मेटर्निक ने की थी। हु वॉज ड्यूक मेटर्निक, ड्यूक मेटर्निक कौन थे, ही वॉज ए ऑस्ट्रियन चांसलर, वो क्या थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 126 द एलिट्स इन वियतनाम वर पावरफुली इन्फ्लुएंस बाय विच फॉलोइंग कल्चर, वियतनाम के जो एलिट्स लोग थे वो इनमें से किस संस्कृति से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, तो उसका आंसर होगा चाइनीज कल्चर। कौन सा हो जाएगा, चाइनीज कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ होआ हाओ मूवमेंट, होआ हाओ आंदोलन किसने चलाया, आंसर हो जाएगा फर्स्ट हुनई फूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनवरी 1930 गांधी जी रोट अ लेटर टू स्टेटिंग 11 डिमांड्स टू हुम, एट दैट टाइम लॉर्ड इरविन वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया, गांधी जी रोट ए लेटर टू लॉर्ड इरविन ऑन 31st of January 1930 एंड स्टेटिंग 11 डिमांड्स। महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को एक पत्र वायसराय लॉर्ड इरविन को लिखा और उसमें 11 प्रमुख मांगे थी। दो प्रमुख मांगे क्या थी कि नमक कर को समाप्त कर देना, सोल्ट टैक्स मस्ट बी रिमूव्ड, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो मोनोपोली था ब्रिटिशर्स का, एकाधिकार था, उसको क्या कर देना, समाप्त कर देना। बट वायसराय लॉर्ड इरविन ने डिड नॉट पे अटेंशन, इट मींस उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया रिलेटेड टू द डिमांड्स ऑफ गांधी जी। दैट्स वॉज द रीजन गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस हिस्टोरिकल मार्च डांडी मार्च फ्रॉम 12th of March 1930 एंड इट केम टू एन एंड ऑन 6th of April 1930 व्हेन ही रीच्ड
at the coast of Dandi, boiling the sea water, tested the salt and broke the salt law. महात्मा गांधी की ऐतिहासिक यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू हुई। 6 अप्रैल को वो दांडी के तट पर पहुंचे, समुद्र के पानी को उबाला, नमक बनाया, नमक चक्कर का नमक कानून को क्या किया था, तोड़ा था। तो उस मार्च को किस नाम से जाना जाता है, दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या आंसर हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ द मूवी ग्रीन बेरेट्स। ग्रीन बेरेट्स एक मूवी थी जिसका थीम क्या था, टू ग्लोरीफाई वॉर। टू ग्लोरीफाई वॉर वॉज द थीम ऑफ द मूवी ग्रीन बेरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द राइटर ऑफ वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइटर ऑफ वंदे मातरम, और वंदे मातरम हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेड यूनियंस फर्स्ट स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, दैट इज इंग्लैंड। पहला ऐसा देश जहाँ पर ट्रेड यूनियन स्टार्ट हुई, तो इन चारों देशों में से सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। टाइडल एनर्जी इज ए रिप्लेनिशेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नवीकरणीय योग्य स्रोत है टाइडल एनर्जी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड टाइम वी गेट रिन्यूड दिस काइंड ऑफ एनर्जी। एंड टाइडल एनर्जी, यू नो टाइड्स आते हैं ओशियन के अंदर, एंड आफ्टर दैट जब हाई टाइड्स आते हैं तो वाटर को स्टोर कर लिया जाता है, आफ्टर दैट उसको क्या किया जाता है, टर्बाइन पे गिराया जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ जनरेटर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लेटराइट सॉइल फाउंड। इनमें से किन राज्य में क्या पाई जाती है, लेटराइट सॉइल पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये आपके माउंटेनियस रीजन के अंदर है, तो इनका लेटराइट सॉइल से कोई लेना देना नहीं। केरला और जो तमिलनाडु वाला जो रीजन है उसके अंदर क्या पाई जाती है, लेटराइट सॉइल मिलती है। लेटराइट एक इंग्लिश वर्ड है जो एक लेटिन वर्ड लेटर से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रिक होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लेटराइट में जो लेटर वर्ड है वो किस लैंग्वेज का है, लेटिन का है, और उसका मतलब क्या होता है, ब्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, दैट इज नोन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज ए पार्ट ऑफ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में एक ही फसल को क्या किया जाता है, बड़े भूभाग के ऊपर उगाया जाता है, इसको रोपण कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136, विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इट मींस दैट द ईस्टर्न पॉइंट एंड वेस्टर्न पॉइंट आर कनेक्टेड बाय लैंड ट्रांसपोर्ट, दैट इज सिलचर एंड पोरबंदर, दीज आर द ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following ports is the deepest landlocked and well protected port along the east coast? The right answer is Vishakhapatnam. Vishakhapatnam जो है वो हमारी सबसे जो deepest landlocked और well protected port है जो east coast के ऊपर है। Next question है, Which one of the following agencies market steel for public sector plant? Steel Authority of India Limited, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वह एजेंसी जो क्या करती है, पब्लिक सेक्टर प्लांट के अंदर क्या करती है, स्टील को मैन्युफैक्चर और सेल करती है, तो उसका है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल फाउंड इन द मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड बीच पे मिलती है, केरला के बीच पर मिलती है, और उसके अंदर थोरियम होता है, और थोरियम और यूरेनियम दोनों ही क्या होते हैं, ये आपके रॉ मटेरियल होते हैं टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी, जो परमाणु ऊर्जा को उत्पन्न करने में प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 140, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। उपरोक्त में से कौन सा ऐसा कथन है जो बिल्कुल सही नहीं है। मिक्का कैन बी क्लियर ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्राउन। इट इज राइट कि मिक्का अभ्रक जो है वो क्या होता है, क्लियर भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, रेड, येलो और ब्राउन कलर में हो सकता है। लाइमस्टोन इज फाउंड एसोसिएटेड विद कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। चूने का जो पत्थर होता है लाइमस्टोन, उसके अंदर क्या होता है, वो एसोसिएटेड होता है किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ। एल्यूमिनियम हैज गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मैलेबिलिटी। इट इज ऑल्सो राइट।
जनरली मिनरल्स आर नॉट फाउंड इन ओर, इट इज रॉन्ग, क्योंकि मिनरल्स हमेशा किसके अंदर पाए जाते हैं, एस्क के रूप में पाए जाते हैं, ओर के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया दैट इज चिल्का ओडिशा, एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया दैट इज बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार, आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेटेड, इनमें से ऐसा कौन सा आइलैंड है जो अनइनहेबिटेटेड है, पीटी आइलैंड जो एक बर्ड सेंचुरी है, ए रिवर आइलैंड सिचुएटेड इन रिवर ब्रह्मपुत्र दैट इज द माजुली, माजुली सबसे बड़ा जो इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर स्थित है। तो इसका ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिवीजन कर रखा है हिमालय का अकॉर्डिंग टू रिवर वैलीज, द पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज, इंडस और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय, द पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन सतलुज एंड काली कुमाऊ हिमालय, द पार्ट लेइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग दैट इज नोन एज, तिस्ता और दिहांग के बीच में आपका कौन सा हिमालय हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आसाम हिमालय, एंड द पार्ट लेइंग बिटवीन काली एंड तिस्ता, काली और तिस्ता के बीच में आपका हो जाएगा कौन सा, नेपाल हिमालय। तो ये आपका क्या है, डिवीजन ऑफ हिमालय है अकॉर्डिंग टू द रिवर वैलीज। ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर बता रहा हूँ, इंडस और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय है, सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय है, काली और तिस्ता के बीच में जो है आपका नेपाल हिमालय, और तिस्ता और दिहांग, दिहांग ब्रह्मपुत्र जो आपका कौन सा हिमालय, असम हिमालय है। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, रिवर एंड डैम, रिवर को डैम से क्या करना है, मिलाना है। तो सबसे पहले जो महानदी है, महानदी पर आपका कौन सा डैम है, हीराकुंड डैम है जो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। दूसरा है कृष्णा रिवर के ऊपर आपका कौन सा आ जाएगा, नागार्जुन सागर डैम आ जाएगा। तीसरा सतलुज रिवर के ऊपर आपका कौन सा डैम आ जाएगा, भाखड़ा नंगल डैम आ जाएगा। और कावेरी पर आपका कौन सा डैम आ जाएगा, मैथुर डैम आ जाएगा। तो ऑप्शन फोर जो है वो आपका बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद दियर कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर एक तरफ एनिमल्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस है कि नॉर्मल स्पीसीज है, एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, कौन सी स्पीसीज के अंडर में आता है। सबसे पहले है ब्लैक बक, ब्लैक बक आपका कौन सी कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस में आएगा, एंडेंजर्ड में आएगा। एशियाटिक एलिफेंट, एशियाटिक एलिफेंट आपका किस में आएगा, वनरेबल में आएगा। अंडमान वाइल्ड पिग आपका एंडेमिक में आएगा, और पिंक हेडेड जो डक है वो आपका एक्सटिंक्ट स्पीसीज के अंदर आएगा। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय कौटिल्य, कौटिल्य चाणक्य, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र, कौन सी थी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो बुक थी वो धन से रिलेटेड नहीं थी, बट इट वॉज रिलेटेड विद पॉलिटिक्स, ये राजनीति से संबंधित एक किताब थी जिसको किसी ने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव कोलिजन गवर्नमेंट, तो उस समय जो ओडिशा स्टेट था वो कोलिजन गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता था। अब समझिए कि कोलिजन गवर्नमेंट होता क्या है, एक होता है अलायंस जो बिफोर इलेक्शन बनता है, एक होता है कोलिजन गवर्नमेंट जो आफ्टर इलेक्शन बनता है। अब आज के अगर प्रेजेंट हरियाणा गवर्नमेंट को अगर हम देखें, अपनी हरियाणा सरकार को देखें, तो कोलिजन गवर्नमेंट का एक क्या है पार्ट है, क्योंकि टोटल 90 हमारी स्टेट असेंबली की सीट है जिसमें से 46 आपको मेजोरिटी के लिए चाहिए, लेकिन 2019 के इलेक्शन में 40 सीट तो बीजेपी को मिली थी जिसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली थी बीजेपी को, इसलिए बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर जो सरकार बना रखी है उसको गठजोड़ वाली क्या कहा जाता है, सरकार कहा जाता है। कोलिजन हमेशा आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट में बनता है जब एक सिंगल पार्टी को क्या नहीं मिलता है, मेजोरिटी नहीं मिलता है। अलायंस बिफोर इलेक्शन बनता है, जैसे NDA अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लीड बाय भारतीय जनता पार्टी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस लीड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बट इट इज नॉट रिपब्लिक्स, राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि यहाँ मोनार्की सिस्टम है। इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से अडॉप्ट किया है, खुद UK से अडॉप्ट किया है, बट इंडिया एक क्या है, रिपब्लिक है। बिकॉज रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, इट इज नॉट ऑन हेरिडिटरी पोस्ट। जो राष्ट्र का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, कोई निर्वाचित व्यक्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस देश को हम एक रिपब्लिक कहते हैं, बट UK के अंदर क्या है, राजतंत्र है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट मैच इन द पोजिशंस, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
वीपी सिंह वॉज ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर एंड डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये हमारे फर्स्ट क्या थे वाइस प्रेसिडेंट थे और जो सेकंड क्या थे प्रेसिडेंट थे आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ दो तो क्या है प्राइम मिनिस्टर है और तीसरा किसका नाम आ गया प्रेसिडेंट का। तो यही जो है ग्रुप है वो क्या नहीं करता है पोजिशंस के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है क्योंकि सेकेंड ग्रुप में देखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीवी गिरी एंड फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में सबसे विशेष चीज़ है कि जब भारत देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेज के कारण 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद ही थे। लाल बहादुर शास्त्री नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल ये लाल बाल पाल जो थे ये गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबलाइजेज अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त करने वाला जो आर्टिकल है वो कौन सा है हमारा आर्टिकल 17। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री या इट इज फैक्ट ऑल रिलीजन्स हैव इक्वल स्टेटस। नेक्स्ट इंडिया हैज डायरेक्ट डेमोक्रेसी नो इंडिया हैज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया हैज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इट मीन्स दैट रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इंडिया हैज अडॉप्टेड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इंडिया इज फाउंडर मेंबर ऑफ UN। तो इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है करेक्ट है अब हम देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट है क्योंकि इंडिया ने UN की जो मेंबरशिप थी वो 30 अक्टूबर 1945 को क्या की थी अडॉप्ट की थी और UN कब बना था 24th of October 1945। भारत पहले ही अपनी आस्था जता चुका था यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन में बट इंडिया को क्या माना जाता है एक फाउंडर मेंबर के रूप में ही माना जाता है क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही इंडिया ने किसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी अपने जो UN है संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है वन नेशन वन सिटीजन एंड वन लॉ दैट इज आर्टिकल 44। नेक्स्ट चूज द ओड ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग लाल बाल पाल करेक्ट वेदर क्लाइमेट एनवायरमेंट करेक्ट हार्ट किडनी एंड डेंगू बीजेपी कांग्रेस एंड RJD। अब इन चार में से ऐसा कौन सा ओड है जिसको हमें क्या करना है चुनना है। तो इसके अंदर तो ऑप्शन थर्ड है हार्ट हमारा बॉडी पार्ट है किडनी हमारा बॉडी पार्ट है लेकिन डेंगू एक डिजीज है तो इसके अंदर ये आपका क्या आ जाएगा ओड आ जाएगा क्योंकि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सारा हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड एनवायरमेंट से रिलेटेड है और ये लाल बाल पाल ये लाल गंगा लाल लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153 इकोनॉमिक्स यहाँ से स्टार्ट होती आई हैड बुक्ड ए टिकट इन राजधानी सुपरफास्ट ट्रेन आई हैड बुक्ड अ टिकट इन राजधानी सुपरफास्ट ट्रेन द ट्रेन वॉज डिलेड फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट एनी रीजन इन दिस सिचुएशन। मैंने राजधानी सुपरफास्ट ट्रेन की एक टिकट बुक की ट्रेन विदाउट एनी रीजन क्या हो गई डिले हो गई इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ आई कैन फाइल ए कंप्लेन इन रेलवे ऑफिस एज क्लेम रिफंड ऑफ माई टिकट अमाउंट। मैं क्या कर सकता हूँ अपने टिकट अमाउंट को रिफंड कराने की मांग कर सकता हूँ और एक कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ रेलवे ऑफिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज्यूम दैट नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज ₹5 lakh crore इन एनी अकाउंटिंग ईयर। किसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक देश की जो राष्ट्रीय आय है वो 5 lakh crore है एंड दे हैव रिसीव्ड फॉरन एड अब उनको विदेशी सहायता मिल जाती है 1000 crore इन द ईयर उसी साल इन दिस सिचुएशन नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री अगर उसको 5 lakh crore के साथ अगर क्या होती है उसको 1000 crore रुपए उसको ज़्यादा मिल जाते हैं तो उसकी जो इनकम है वो क्या हो जाती है 1000 crore रुपए बढ़ जाती है। तो किसी कंट्री की अगर एक साल में किसी साल जो था वो 5 lakh crore रुपए उसकी अकाउंटिंग ईयर के अंदर उसकी क्या थी नेशनल इनकम थी और उसे अगर फॉरेन एड के रूप में 1000 crore रुपए और मिल जाते हैं तो उसकी जो क्या है GDP है या उसकी नेशनल जो इनकम है वो कितने 1000 crore बढ़ जाएगी 1000 crore बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन द कंट्री ए शॉपकीपर हैज़ गिवन ए वर्क ऑफ दियर बुक कीपिंग अकाउंट्स टू माय कज़न सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कैन बी इंक्लूडेड इन। GST लागू होने के बाद एक दुकानदार ने वर्क ऑफ द ईयर बुक कीपिंग अपनी किताबों को रखने का अपने अकाउंट को संभालने का जो ऑर्डर है वो मेरे एक भाई को चचेरे भाई को दिया। ये जो एक्टिविटी है तो ये आपकी टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटी क्योंकि टर्शरी सेक्टर में क्या दी जाती है सर्विसेज दी जाती है इसलिए इसको क्या कहा जाता है सर्विस सेक्टर भी कहा जाता
है, आपका कजन केवल क्या दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, किसको दे रहा है, शॉपकीपर को दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। लैंड, लैंड पे हम क्या करते हैं, माइंस, माइनिंग करते हैं। लेबर जो है आपका, लेबर इंजीनियर, क्योंकि जो काम करने वाले लोग होते हैं वो इंजीनियर। कैपिटल जो है, कैपिटल आपकी क्या है, कैपिटल क्या है, आपकी परचेजिंग पावर है, क्या है, परचेजिंग पावर। या कैपिटल से हम मशीन्स खरीदते हैं, सॉरी, कैपिटल से हम क्या खरीदते हैं, मशीन, और मनी हमारी क्या हो जाएगी, परचेजिंग पावर। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है कि लैंड पर हम माइंस करते हैं, लेबर क्या हो जाएगा, इंजीनियर, कैपिटल जो है, कैपिटल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो हमारा मशीन्स है हम उसको क्या कहते हैं, फिक्स कैपिटल कह सकते हैं। जैसे टूल्स एक फिक्स कैपिटल है, और मनी जो हो जाता है वो हमारे क्या हो जाता है, परचेजिंग पावर। और मनी और जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। दो प्रकार के कैपिटल होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल जिसमें लैंड आ जाता है, क्या आ जाता है, लैंड, टूल्स आ गए, और एक होती है वर्किंग कैपिटल। एक क्या होती है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या हो गई, मनी इन द हैंड, मनी इन द हैंड, और दूसरा आपका क्या हो गया, रॉ मटेरियल। तो लैंड, माइंस, लेबर, इंजीनियर, कैपिटल, मशीन्स, और मनी क्या आ जाएगा, आपका परचेजिंग पावर। नेक्स्ट है, व्हाई डिस्पाइट लेस कैलोरीज रिक्वायरमेंट अर्बन एरियाज हैव ए हायर पॉवर्टी लाइन। 2100 कैलोरी चाहिए कहाँ पर, अर्बन एरियाज के अंदर, लेकिन फिर भी वहाँ गरीबी क्यों है, बिकॉज ऑफ हायर प्राइजेज ऑफ मैनी एसेंशियल कमोडिटीज इन अर्बन एरियाज, क्योंकि बहुत जरूरी जो वस्तुएं होती हैं उनका प्राइस शहरों के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, इफ फार्मर वर्क्स एट इज फील्ड 5 acre एंड प्रोड्यूसेस 150 क्विंटल ऑफ वीट इन ए ईयर, हिज सन ग्रोन अप एंड ज्वाइन द फार्मिंग विद हिज फादर, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इफ एक किसान है जो अपने 5 acre जमीन पर 150 क्विंटल क्या कर रहा है, गेहूं उगा रहा है हर साल, उसका लड़का बड़ा हो जाता है, वो फार्मिंग को क्या करता है, ज्वाइन कर लेता है, तो इसमें से क्या चेंज आएगा, प्रोडक्शन ऑफ वीट रिमेन कॉन्स्टेंट। ये जो आपका वीट का प्रोडक्शन है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है कि रिक्वायरमेंट तो कम होती है, लेकिन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा क्या लगे होते हैं, लोग काम पर लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कॉमर्शियल बैंकिंग, इट इज़ नॉट ए कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन हुज एम इज टू अर्न प्रॉफिट, इट इज़ इनकरेक्ट रिलेटेड टू द कॉमर्शियल बैंकिंग। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, इट डील्स विद मनी, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांस लोन्स, इट डील्स विद द क्रेडिट, हैज पावर टू क्रिएट क्रेडिट, इट डील्स विद द जनरल पब्लिक, इट इज़ नॉट ए कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन हुज एम इज टू अर्न प्रॉफिट। तो ये जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है वो इसके बारे में क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ द पीपल। तो वर्ल्ड बैंक तो केवल एक को लेता है, पर कैपिटा इनकम को, लेकिन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर UNDP रैंक देता है, और उसके आधार पर एजुकेशन लेवल को उठाता है, हेल्थ स्टेटस को उठाता है, और पर कैपिटा इनकम, तो इन तीनों को उठाता है। फर्स्ट जो आपका है ये बिल्कुल सही है, थर्ड आपका सही है, और फिफ्थ ऑप्शन आपका सही है, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द NTSC स्टेज फर्स्ट पेपर 2017 and 2018 ऑफ हरियाणा स्टेट। इट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, and you should learn all these questions and watch this video, like and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.